बड़ी खबर आपको बता रही है। आईएएस अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार का मामला, पीएमओ को भेजे गए पत्र पर सीएम सुखू ने बिठाई जांच। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आईएएस अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार का मामला और पीएमओ को भेजे गए पत्र पर सीएम सुखू ने जांच बिठाई और पीएमओ को भेजा गया है एक गुमनाम पत्र। आईएएस अधिकारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की शिकायत इस गुमनाम पत्र के माध्यम से की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, हिमाचल काडर के आईएएस अधिकारियों पर दरअसल संगीन आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं और ये जो गुमनाम पत्र आया है उसके बाद से ही दरअसल ये हलचल अब देखी जा रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी जांच बिठा दी गई है। अब आईएएस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो इस समय फोन लाइन पर है। प्रदीप, ये जो खत आया गुमनाम खत, क्या कुछ इसमें कहा गया है, किस तरह का ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अब आगे जांच को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो ये गुमनाम पत्र है ये प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा गया था और उसके बाद इस पत्र को वापस हिमाचल प्रदेश पीएमओ की तरफ से भेजा गया कि इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच की जाए। हालांकि अभी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें प्रदेश से जुड़े कुछ एक आईएएस अधिकारियों के नाम सहित इसमें लिखा हुआ है इस पत्र में और उसी के आधार पर अब मुख्यमंत्री ने जब ये पत्र प्रदेश को मिलता है तो उसके बाद जांच बिछाई है और उसमें अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि पत्र किसने लिखा है, इसके पीछे की मंशा क्या है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो किस रूप का भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि उस हालांकि ये पत्र लगभग तीन पत्र है ये कुल मिलाकर और उसमें अलग अलग अधिकारियों के नामों का जिसमें जिक्र हुआ है लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, क्या कोई प्रतिशोध की भावना से या दुर्भावना से पत्र लिखा गया है या फिर वास्तव में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो किस रूप में हुआ है, तो अब इसकी जांच बिठाई जाएगी। और जो पत्र लिखा है जो हमारे सूत्र में जानकारी दे रहे हैं उसमें जिसने पत्र लिखा है उसने ये भी कहा है कि अगर इन अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है और आगे बढ़ती है तो मैं खुद भी सामने आऊंगा, यानी मैं खुद भी सार्वजनिक हो जाऊंगा कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ किस तरह का है। तो अब देखना ये होगा कि अभी शुरुआती जो जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो केंद्र से ये वापस पत्र आया है, गुमनाम पत्र है ये, तो उसमें अब जांच जो है एक तरह से शुरू हो चुकी है और उसमें बहुत सारे कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप आईएएस अधिकारियों पर लगाए गए हैं। आईएएस अधिकारियों के ऊपर ये जो आरोप है, हालांकि अभी देखिए प्रदीप जांच का विषय है, जाहिर तौर पर अब जांच जो है वो शुरू की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर इस गुमनाम पत्र के बाद से, लेकिन क्या कुछ कहा गया है कि किसी एक रीजन के या फिर सभी आईएएस अधिकारी जो है उनकी जांच होगी, किस तरह से आगे जांच होनी है और कितने अधिकारियों को लेकर ये पत्र में कहा गया, ऐसी कुछ जानकारी? देखिए अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें लगभग दो तीन ऐसे आईएएस अधिकारी हैं उनका नाम जो है उसमें उसका जिक्र किया है, उसमें कुछ अधिकारी रिटायर भी हो चुके हैं तो और कुछ अधिकारी अभी सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे में उन अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए हैं और उसमें कहा कि जब वो उस पद में थे जिस वक्त उस पद पर थे उस वक्त उन्होंने कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है, लेन देन की बातें भी इसमें हुई है। तो अब जब जांच होगी और उसके बाद अगर वास्तव में ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो उस स्थिति में कार्रवाई क्या होती है अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब क्योंकि शुरुआती स्टेज पर ये मामला है और अभी जांच जो की जाएगी उसमें जिसने पत्र लिखा है उसको भी ट्रेस किया जाएगा कि पत्र किसने लिखा है, फिर उनकी भी जो बयान है वो कलमबद्ध किए जाएंगे कि आपके पास प्रूफ क्या है इस तरह के भ्रष्टाचार के। तो फिलहाल अभी ये शुरुआती स्टेज में है लेकिन इतना जरूर है कि पत्र जो है वो गुमनाम पत्र लिखा गया था और उसके बाद अब जब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर जांच बिठाई है तो कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब जांच जो है वो बिठा दी गई है और इस मामले में अभी दो से तीन अधिकारी जो है उनके नाम लिए गए हैं जिसमें से कि एक दो जो है वो रिटायर हो चुके हैं और शायद एक जो है वो अभी भी सर्विस में है। तो ऐसे में अब आगे जब जांच होगी, जांच में देखना होगा कि किस लेवल तक ये पूरी जांच जाती है और भ्रष्टाचार का ये जो पूरा खेल था ये कहां तक पहुंचता है, इस जांच की आज कहां तक पहुंचती है।